सो फार हमारी पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बहुत बढ़िया बन चुकी है, और अब हम लोग यहाँ पर कुछ यूआई फिक्सेस करेंगे, अपने नेव बार को बढ़िया करेंगे और छोटे मोटे जो हमको यूआई में इश्यूज आ रहे थे उनको फिक्स करेंगे एंड देन फाइनली इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को रैप करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फाइनली हम इस वीडियो में आज रैप अप करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ इनसाइट्स दूंगा कि इस कोड को आगे फ्यूचर में आपको किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट जेएस सर्वर है उसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट एक फ्रेश रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और सैनिटी की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग ज़रूर एक्सेस कर लेना, बूस्टेड प्लान भी अगर अवेलेबल हो जिस टाइम पर आप देख रहे हो तब एक्सेस कर लेना, और अगर आप रीसेंट पास्ट में देख रहे हो तो यार अवेलेबल होगा, एक बार चेक कर लो, अवेलेबल है तो कर लो यार एक्सेस, ठीक है। तो कॉपी करना है सिंपली इन दोनों कमांड्स को एक एक करके और आप लोगों को ये सारा का सारा बेनिफिट मिलेगा, सैनिटी का बूस्टेड प्लान मिलेगा, ठीक है, एकदम फ्री में। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है अभी, और आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे बॉदर कर रही है वो पता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर खोलूँ इंडेक्स को, ब्लॉग्स को, ये सारे के सारे जो हमारे पेजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ कंसोल लॉग्स मैंने लगाए हुए हैं, तो जब फाइनली हम लोग लेकर जाएंगे इस प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्शन लेवल पर, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि कंसोल लॉग्स यहाँ पर लगे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि यहाँ स्लग लगा हुआ है, इसको मैं हटाऊँगा, नहीं चाहिए, ठीक है। फिर और देखते हैं कहीं कंसोल लॉग लगाए क्या, नहीं लगाए। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर राउटर डॉट क्वेरी, ये भी नहीं चाहिए, सारे अनयूज वेरिएबल्स मैं हटाऊंगा यहाँ से। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो हम सबको कर ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि ऐड हो रखी हैं, फिर उसी के साथ साथ CSS फाइल्स भी हैं जो कि ऐड हो रखी हैं, तो जो नैव बार है उसको मैं भी यहाँ से हटा नहीं सकता, लेकिन आइडियली मैं क्या करूँगा, नैव बार ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो नैव बार मैंने आई थिंक रिप्लेस कर दिया था, मैंने कहीं से तो नहीं किया था नैव बार रिप्लेस, कहाँ से नहीं किया था, नहीं यहीं से नहीं किया था, ठीक है, नैव बार। अब नैव बार के अंदर भी मैं जाकर क्या करूँगा ना कि जो मैंने यहाँ इंडेक्स में किया है, मैंने इंडेक्स में भी नैव बार यूज़ किया है ना, इंडेक्स में नैव बार यूज़ किया है क्या, नहीं है आई गेस, मैंने इंडेक्स में नैव बार यूज़ नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा इंडेक्स में भी मेरा नैव बार ही यूज़ हो, ठीक है। तो मैं अगर इस कोड को कमेंट आउट करूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ नैव बार को यूज़ करने की, ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ और उसके बाद इसको देखूँ तो ये देखो ये बिल्कुल सही से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक भी करूँ अगर तो आप लोग देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ गई, ठीक है, तो नैव बार भी चल रहा है, क्या रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस भी मस्त रिस्पॉन्सिव है। बस एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत है कि इन तीन डॉट्स पर आप क्लिक करो तो नीचे को एक मेरे पास ड्रॉप डाउन गिरना चाहिए, वो भी नहीं गिर रहा है, ठीक है, तो वो आप बना सकते हो, एक ड्रॉप डाउन बनाना उसको सिर्फ टेलविंड CSS की सहायता से, जब आप स्मॉलर डिवाइसेस में हैं तब ही उसको शो करना और उसके अंदर ये सारे लिंक्स को शो कर देना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, तो ये तो किया जा ही सकता है। और इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगा देना कि यार इस पर कोई भी क्लिक करे अगर तो नीचे की तरफ गिरे, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन, बाकी तो हमारी वेबसाइट बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिव है ही है थैंक्स टू द टेम्पलेट, ठीक है, जो कि हमने यूज़ करी है। अब इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर कंसोल में एरर्स हैं, ठीक है, उनको भी ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ करके क्लास इज इक्वल टू ढूंढ रहा हूँ कहीं पर है क्या, क्या नैव बार में, वो भी मैं देखूँगा अभी क्या नैव बार में है क्लास इज इक्वल टू, यस, तो क्लास इज इक्वल टू को क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस करना है, ठीक है, जितने भी क्लास इज इक्वल टू थे उसको मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पे कम से कम हमारे ये सब चले गए हैं, कंसोल लॉग्स थोड़े बहुत अभी भी हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर तो नहीं है, क्या यहाँ पर है कंसोल लॉग, हाँ ये है ना यूज़ इफेक्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मुझे यूज़ इफेक्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप लोग ये जो कमेंट्स हैं इनको हटा लेना, मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग इसको रेफरेंस कर पाओ कभी भी, ठीक है, लेकिन आप लोग हटा देना इसको, ठीक है। तो ये करने के साथ साथ अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा नैव बार है इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स जो है वो मैं डालूंगा, कौन से पैरामीटर्स, प्रोफाइल डालूंगा, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आइटम लिख कर आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं चाहता यहाँ पर आइटम लिख कर आए, अभी सारे पेजेस में हमको आइटम देखने को मिलेगा, आपको दिखाता हूँ मैं, ये आइटम देखने को मिल रहा है, मैं सर्विसेज, सॉरी, मैं अगर ब्लॉग में जाऊँ, ऑल ब्लॉग्स में जाऊँ वहाँ पर भी मुझे आइटम देखने को मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता आइटम देखने को मिले, मैं चाहता हूँ हमारी प्रोफाइल लोड हो। और प्रोफाइल लोड कैसे होगी, प्रोफाइल लोड हमारी ऐसे होगी कि हम लोग यहाँ पर, कहाँ गया मेरा वो कमेंट आउट वाला पोर्शन, एक मिनट, मैं इंडेक्स में देख रहा हूँ, मुझे, हाँ मुझे इंडेक्स में ही देखना है, मैंने इसको कमेंट आउट करके नैव बार लगाया है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से प्रोफाइल डॉट, हाँ ये रहा प्रोफाइल डॉट टाइटल, तो ये वाला जो H2A कॉपी करूँगा मैं और एटम वाला जो इमेज है उससे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो एटम कहाँ गया हमारा, एटम वाला इमेज अभी अभी दिख जाएगा वो,
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी दिखेगा। मुझे दिख नहीं रहा यार, कहाँ गया? ये है शायद, आई गेस यही वाला है। देखता हूँ यार इसको रिप्लेस करके। प्रोफाइल इज़ नॉट डिफाइंड, ओके दैट मेक्स सेंस, क्योंकि हमने प्रोफाइल जो है लोड नहीं करी है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा जो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है वो नैव बार में मैं डाल नहीं सकता, उप्स, क्योंकि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स काम नहीं करता है नैव बार में। तो एक काम करूँगा, बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, मैं यहाँ पर नैव बार को एज प्रॉप्स पास करके दूंगा। क्या कहाँ गया नैव बार, नैव बार। और हाँ एक चीज़ और करूँगा, नैव बार को मैं अंडरस्कोर ऐप डॉट जे एस में डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा नैव बार को, तो मैं दिखाता हूँ आपको ये काम कैसे किया जाएगा। नैव बार, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा, यहाँ पर डालूंगा। बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉप्स भी तो पास करने हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा पूरा का पूरा, मुझे प्रॉप्स भी पास करने हैं यार इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि नैव बार कहाँ गया, नैव बार कहाँ गया, नैव बार, नैव बार, नैव बार, ये रहा नैव बार हमारा। इंडेक्स में नैव बार कहाँ गया? मैंने हटा दिया क्या? मैंने हटा दिया क्या? हाँ मैंने हटा दिया था यार, अभी अभी तो हटाया था। भूलना नहीं है यार, हटा के भूलना नहीं है। नैव बार, ठीक है। और इसको मैं प्रॉप दूंगा, मैं दूंगा प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल। अब आप देखना यहाँ पर प्रोफाइल इज़ नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि प्रोफाइल जो है मैं यहाँ पर ले चुका हूँगा, तो मुझे यहाँ पर एज प्रॉप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्रोफाइल। और ये करने के बाद आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये नहीं आया प्रोफाइल डॉट टाइटल, नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल करने पर भी नहीं आया, तो मैं क्या करूँ इसको, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। मैं काम करता हूँ, यूज़ इफेक्ट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, उप्स, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। मुझे डीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी यार इस तरह से। अब आ जाएगा, कांट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड, तो प्रोफाइल अनडिफाइंड है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स में प्रोफाइल नहीं है कुछ, प्रोफाइल अनडिफाइंड है, प्रोफाइल एज प्रॉप्स पास नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल लिखा हुआ है, और मैं एक काम करता हूँ इसको, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफाइल लोड नहीं हो रही है, और जैसे ही प्रोफाइल लोड हो मैं चाहता हूँ तब ये नैव बार कंपोनेंट जो है वो माउंट हो। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग टाइटल, ये कहाँ पर है नैवबार डॉट जे एस में, तो प्रोफाइल यहाँ पर अनडिफाइंड है, ऐसा क्यों? तो मैंने जब यहाँ पर प्रोफाइल एंड एंड लिख दिया, उसके बाद भी ऐसा क्यों आ रहा है? ओके, तो ये मैं ब्लॉग्स वाला पेज चेक कर रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर तो यार, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये चलेगा बिल्कुल। प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल, ठीक है, तो होम पेज चलेगा। और ब्लॉग्स में मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल करना पड़ेगा। देखो ये चल रही है प्रोफाइल मेरी, ठीक है, चल रही है, नहीं चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करूँ प्रोफाइल को, और ब्लॉग्स में आऊँ, मेरा जो ब्लॉग्स वाला पेज है उसको मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मुझे प्रोफाइल भी लेनी होगी, फिर मुझे सब जगह प्रोफाइल लोड करनी पड़ेगी। ये भी है, करनी ही पड़ेगी प्रोफाइल लोड मुझे सब जगह। और यहाँ से कंसोल लॉग हटाऊँगा, तो इंडेक्स के अंदर जो सर्वर साइड प्रॉप्स हैं उसको मैं हटाकर यहाँ से प्रोफाइल लेकर आऊँगा, ऐसे प्रोफाइल क्वेरी इज इक्वल टू ऐसे, और कंट्रोल एंटर काम नहीं करता जब गिटअप को पायलट चल रहा होता है, तो ठीक है। प्रोफाइल और किस पेज में डालना है हमको? ब्लॉग वाले पेज में भी डालना है, तो चलो यार यहाँ पे तो आ जाना चाहिए। अभी मैं ऑल ब्लॉग्स पे क्लिक करूँगा अगर, तो मुझे दिख जानी चाहिए वो प्रोफाइल, ठीक है, दिख रही है। अगर मैं इसको रीड मोर करूँ तो यहाँ पर फिर से एरर आ गया, ठीक है। क्यों आया? ये बेसिकली ये कह रहा है कि भाई आपने जो नैव बार यहाँ पर यूज़ किया है, इसको यहाँ पर प्रोफाइल कर देता हूँ, कह रहा है नैव बार के अंदर आपने प्रोफाइल नहीं दी है, तो मुझे प्रोफाइल देनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये प्रोफाइल आप मल्टीपल बना सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोफाइल्स आप लोग बना लेना। अब ये करने के साथ साथ मुझे नैव बार में एक प्रॉप पास करना पड़ेगा, प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल, ठीक है, और इसको रिलोड करेंगे और देखेंगे कि प्रोफाइल लोड हो रही है कि नहीं। वाह, प्रोफाइल लोड हो रही है, ठीक है। वर्क विद शुभ, अब आ रहा है मज़ा, मुझे भी आ रहा है मज़ा। और इस कंटेंट को अच्छे से लिखना, शायद इस फॉन्ट को छोटा कर देना, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग प्रोफाइल से लोड कर देना वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो
अब मैं एक एक चीज़ यहाँ पर नहीं कराना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है वीडियो, ज़बरदस्ती बड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ इस वीडियो में, जहाँ सीरीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए 8 घंटे में, वहाँ सीरीज़ ख़त्म होगी 24 घंटे में, बिल्कुल होगी 24 घंटे में, क्योंकि मैं छोटी छोटी डिटेल जो है वो फिल कर रहा हूँ। तो जो चीज़ हो सकती है वो मैं नहीं कर रहा हूँ भी, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करोगे तो ये बिल्कुल सेंसिबल है कि आप ये सारी चीज़ें चेंज करोगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये वाली इमेज आई मैक हटाकर अपना प्रोजेक्ट डालो यहाँ पर, आप डाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। और जहाँ बात रही इमेज की, आप जो इमेज का URL जो है, ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट दो, रिलेटिव भी दे सकते हो आप लोग, यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी डाल सकते हो मतलब इमेजेस अपनी, कहने का ये मतलब है इस बात का बस, ठीक है। सो आई होप कि यार आपको मज़ा आया और आई होप कि आप समझ पाए कि ये प्रोजेक्ट हमने किस तरह से बनाया। सारा सोर्स कोड मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, लगातार अपलोड कर रहा हूँ, मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप लोग जो है इस वेबसाइट को यूज़ करते जाओगे, वैसे वैसे नए पेजेस, नई नई चीज़ें इसमें आप लोग खुद से ऐड करो, इसका फुटर चेंज करो, मे बी आप ये ज्वाइन द क्लब वाला जो है ये वाला बटन फंक्शन बनाओ, कीप अप टू डेट विद व्हाट आई एम अप टू, यहाँ पर आप गिव योर ईमेल करके ज्वाइन द क्लब कर दो, तो क्या होगा कि कोई भी कभी भी आपको जैसे जॉब चाहिए तो आप एक न्यूज़ लेटर भेज सकते हो, आप ईमेल भेज सकते हो सबको कि यार मुझे एक जॉब चाहिए, मैंने यहाँ पर जॉब छोड़ दी है, मे बी आपके पास एक कॉल आ जाए, ठीक है, हु नोस, ठीक है। अगर मान लो पिछले 4 साल में आपकी वेबसाइट को 4,000 लोगों ने विजिट किया, 4,000 एम्प्लॉयर्स ने विजिट किया फॉर सम रीज़न, मान लो आपने स्टैक ओवरफ्लो पर आंसर लिखा, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल दी, किसी ने विजिट किया, वो आएगा आपकी प्रोफाइल पे, मान लो वो अपना ईमेल डाल के चला गया कि यार चलो ठीक है इस बंदे से जुड़ जाते हैं, बढ़िया बंदा है ये शुभ गंगवार, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो 2 साल के बाद आपको जॉब की ज़रूरत है, मतलब ऐसा नहीं आपकी जॉब लग नहीं रही है, मान लो आपने छोड़ दी जॉब, आप चाहते हो यार मैं स्विच करना चाहता हूँ, तो आप एक मेल डाल सकते हो सबको कि यार मैं इस रोल में स्विच करना चाहता हूँ और मेरी प्रेफर्ड लोकेशन ये है, और हु नोस कि आपके पास कॉल आ जाए, ठीक है। और 4,000 लोग हैं तो आ भी सकती है, मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज जब आपके पास अगर 15-20 कॉल्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है प्लानिंग करनी है। तो यार वेबसाइट तो बहुत बढ़िया लग रही है मुझे यार, और मैं बहुत खुश हूँ इससे एट दिस पॉइंट। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर कंक्लूड करूँगा मैं, और दोबारा आपसे बोलूँगा कि सैनिटी का जो बूस्टेड प्लान है, इंतज़ार बिल्कुल भी मत करो, इसको एक्सेस कर लो। अगर आप लोग जो स्टार्ट भी कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं बाद में बनाऊँगा प्रोजेक्ट, आप अभी इस प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लो, ठीक है, पोर्टफोलियो नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो अपना, और मे बी बाद में आप लोग कंटिन्यू करना, ताकि आपको बूस्टेड प्लान तो कम से कम अभी मिल जाए ना। तो बूस्टेड प्लान में आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं अभी, ये कब तक आपको मिल रहा है मुझे नहीं पता, तो आप लोग इसको एक्सेस कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सैनिटी आयोग की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लेना, ये तो हमेशा के लिए है, तो ये तो आप कभी भी कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है और इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे हो यार कि चीज़ें किस तरह से यूज़ करनी है और ये चीज़ें किस तरह हेल्प करती हैं जब आप लोग इसको अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ करते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।